नमस्कार। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। अभी चारों तरफ यही एक चर्चा है कि रूस ने आखिर यूक्रेन पर ऊपर हमला क्यों किया, आखिर इन दोनों देशों के बीच में विवाद क्या है। रूस दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है और यूक्रेन छोटा सा देश है, लेकिन आखिर इनके बीच में विवाद क्यों हुआ और ये विवाद का कारण क्या था, अपन जानेंगे। आइए, पांच पॉइंट के जरिए अपन जानेंगे कि आखिर विवाद होने का कारण क्या है। ये पांच पॉइंट है, आप देखिए। आप नंबर वन, पहले तो देखिए, यूक्रेन की सीमा दो तरफ लगती है। यूक्रेन की सीमा एक तरफ पश्चिम में यूरोप की तरफ लगती है, पूर्व में रूस की तरफ लगती है। विवाद कहां से शुरू हुआ ये देखिए, 1991 में तक यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था। 1991 तक यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा रहा, उसके बाद यूक्रेन एक अलग देश बना। तनाव शुरू हुआ, आप क्या देखते हो कि तनाव अभी शुरू हुआ, चार पांच दिन में शुरू हुआ, फिर युद्ध हुआ? नो, नेवर। यह तनाव बहुत ही काफी लंबे समय से चल रहा था, और कब से चल रहा था? 2013। अब देखिए, 2013 से लेके अभी तक, यानी सात नौ साल हो गए, नौ साल तक इनके बीच में तनाव चलता रहा और अब जाके युद्ध का रूप लिया। क्यों लिया देखिए, जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का विरोध शुरू हुआ यूक्रेन में, यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का विरोध शुरू हुआ यूक्रेन में। और पता है, ये जो राष्ट्रपति थे ना, ये रूस के समर्थित राष्ट्रपति थे, ये हमेशा रूस का समर्थन करते थे और ये रूस के समर्थन के द्वारा ही ये राष्ट्रपति बने थे यूक्रेन के। अब यूक्रेन के लोगों ने इनका विरोध शुरू कर दिया, इन्हें रूस का समर्थन था। 2014 में ये देश छोड़कर भाग गए। जो ये यूक्रेन का राष्ट्रपति है ना विक्टर, 2014 में, 2013 में इनका विरोध शुरू हुआ और 2014 में ये देश छोड़कर भाग गए। अब आगे की देखिए आप, इससे रूस नाराज हो गया। अब रूस की नाराजगी वहीं से बढ़नी शुरू हुई। जब 2014 में ये देश छोड़कर भागे तो फिर रूस ने क्या किया देखिए, रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। रूस ने हमला किया और दक्षिणी यूक्रेन के जो क्रीमिया का हिस्सा है, क्रीमिया, उस पर रूस ने कब्जा कर लिया। फिर वहां के रूसी समर्थित अलगाववादियों को समर्थन दिया, क्रीमिया पर कब्जा किया। रूस ने खुद वहां अपना शासन नहीं चलाया, रूस ने क्या किया, वहां के जो अलगाववादी थे, जो रूस के समर्थित थे, उनको वो क्रीमिया सौंप दिया। अब देखिए आप, रूस की चाल देखिए, उसके बाद क्या हुआ देखिए। उसके बाद उन अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन पर भी कब्जा कर लिया। दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर तो रूस ने कब्जा किया और वहां की सत्ता, वहां के अलगाववादियों, जो रूस के समर्थित थी, उनको दे दिया। उसके बाद जो ये अलगाववादी थे ना, इन्होंने पूर्वी यूक्रेन पर भी कब्जा कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि रूस का समर्थन था, यूक्रेन कुछ नहीं कर पाया। अब आप देखिए, इसके बाद अभी वर्तमान में ये जो इन दोनों के बीच में युद्ध का तनाव और युद्ध क्यों शुरू हुआ, इसका असली वजह क्या है आपको? नाटो। असली वजह, ये असली युद्ध की जड़ ये नाटो ही है, वरना रूस खुलेआम यूक्रेन पर युद्ध नहीं करता। लेकिन इस नाटो की वजह से रूस ने युद्ध कर दिया। देखिए आप, असली विवाद जड़ नाटो। अभी नाटो का क्या है देखिए आप, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो। अब आपको सर नाटो क्या है ये देखिए, इसमें देखिए, यह अमेरिका व यूरोप का साझा राजनीतिक व सैन्य संगठन है। इसका यह 1949 में बना। इनका मकसद क्या है? यह एक तरह का नाटो, एक तरह का संधि संगठन है। इसमें जब यह बना था तब 12 सदस्य देश थे और आज की तारीख में 30 सदस्य देश है। इसका मेन मकसद क्या है? एक दूसरे देश को राजनीतिक सपोर्ट करना, एक दूसरे देश को सैन्य सपोर्ट करना। ये विश्व का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है। इसका क्या होता है कि जो भी नाटो सदस्य, नाटो का जो सदस्य देश होता है ना, अगर उस पर कोई हमला करता है तो नाटो के सारे देश सदस्य मिलकर उस देश की रक्षा करते हैं और सामने वाले के ऊपर ही हमला कर देते हैं। इसीलिए हर देश इसका सदस्य बनना चाहता है। और जब शुरुआत में 12 सदस्य थे और आज ये 30 सदस्य देश हो गए और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सैन्य संगठन और राजनीतिक संगठन माना जाता है।
इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सहित दुनिया के 30 सदस्य देश हैं। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन है। अब हुआ क्या, ये देखिए आप, यूक्रेन ने नाटो से दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दी। अभी हाल ही में यूक्रेन ने धीरे 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 2-3 सालों में नाटो से दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दी और उसने घोषणा की कि मैं भी नाटो का सदस्य देश बनूंगा। जब यह घोषणा की तब से ही रूस नाराज हो गया। नाटो का मेन, जो आप कह सकते हो मेन सेनापति, मेन अधिकारी कौन है पता है आपको? मेन मतलब राजा, ये अमेरिका। वो पता है अमेरिका को तो आप जानते हैं, ये सलाह अमेरिका करता क्या है, पूरी देश में चौधरी पना करता है। ये पूरे विश्व में अपने आप को चौधरी समझता है कि पूरे विश्व में मैं ही हूं, विश्व में सबसे बड़ा संगठन, बड़ा अपने आप को ये राजा समझता है, पूरे विश्व का राजा मैं ही हूं, ये अमेरिका। और ये नाटो के हर छोटे मोटे देश को ये चलाता है और ये 2-3 देश मिलकर पूरे नाटो जो सदस्य हैं उनको नचाते हैं। इसलिए ये इस अमेरिका के जिद्दीपन की वजह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। अब जब यूक्रेन ने कहा कि मैं नाटो का सदस्य देश बनूंगा, तब रूस को लगा कि जब यूक्रेन नाटो का अगर सदस्य देश बन गया तो उसकी सेना यूक्रेन में आ जाएगी और यूक्रेन में आएगी तो रूस के लिए खतरा पैदा करेगी। इसीलिए रूस ने उसको पहले ही यूक्रेन को सबक सिखाना शुरू कर दिया और अगर यूक्रेन नाटो का अगर सदस्य बनेगा तो हर तरह की आर्थिक सहायता अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन यूक्रेन को पहुँचाएंगे। और यूक्रेन पहले ही रूस का दुश्मन देश है तो रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन इन नाटो सदस्य देश का सदस्य बने और रूस के लिए खतरा पैदा हो। और अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ये तो चाहते थे कि हमारे जो ये नाटो संगठन है इसमें सदस्य देश की वृद्धि हो और नए नए सदस्य बने, तो इन्होंने यूक्रेन को शह देना शुरू कर दिया और यूक्रेन को चढ़ाना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर यही हुआ कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया।